वेलकम टू रुपेश वर्मा चैनल। जी हाँ दोस्तों, मैं आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। मैं पोस्ट वीडियो में बताने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ एरर के बारे में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसे तीन टाइप्स के एरर होते हैं। फर्स्ट वन मिस्टेक एरर, एंड द सेकेंड वन इज सिस्टमेटिक एरर, और उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव एरर, एंड द लास्ट वन इज एक्सीडेंटल एरर। तो अब जानते हैं ये क्या क्या होता है, अब देखते हैं एक्सप्लेन वे में। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एरर के बारे में। तो इसमें तीन टाइप के एरर होते हैं। सबसे पहले देखते हैं मिस्टेक्स एरर क्या होता है। तो मिस्टेक्स आर एरर डेट अराइज फ्रॉम इनएक्सपीरियंस, केयरलेसनेस, इनअटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द ऑब्जर्वर। कहने का मतलब क्या हुआ, जिस ऑब्जर्वर के पास एक्सपीरियंस बहुत कम रहता है उसमें भी मिस्टेक्स एरर फाउंड होता है। और जब हम लोग ऑब्जर्वेशन निकालते समय जब उसमें ध्यान नहीं देते हैं तब उसमें मिस्टेक्स एरर फाउंड होता है। तो अब जानते हैं सिस्टमेटिक एरर के बारे में। ए सिस्टमेटिक एरर इज एन एरर डेट अंडर द सेम कंडीशन विल ऑलवेज बी ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एंड द साइन, एंड इट इज फॉलो द सम फिजिकल और मैथमेटिकल लॉ, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज क्यूमुलेटिव लॉ। तो अब जानते हैं एक्सीडेंटल एरर क्या होता है। एक्सीडेंटल एरर आर दोज विच रिमेन आफ्टर मिस्टेक्स एरर एंड सिस्टमेटिक्स एरर आर एलिमिनेटेड, एंड इट इज अकर्ड ड्यू टू लैक ऑफ परफेक्शन इन द ह्यूमन आई, एंड दे डू नॉट फॉलो एनी स्पेसिफिक लॉ। कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, देखिए जब हम लोग मिस्टेक्स एरर और सिस्टमेटिक एरर में जो कुछ माइनॉरिटी टाइप के एरर जो उसमें रह जाते हैं उसी को बोलते हैं एक्सीडेंटल एरर, और सभी ऑब्जर्वर का आई साइट अलग अलग रहता है तो उसमें जो एरर फाउंड होता है उसको बोलते हैं एक्सीडेंटल एरर, और ये कोई लॉ फॉलो नहीं होता इसमें। तो थैंक यू सो मच। यदि आपका वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर ला, ना बोला कोई भी दिक्कत होता है कमेंट करें। थैंक यू। Please subscribe my channel and press the bell button for the latest video of my channel.